खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां सोनाला गांव में छज्जा गिरने से किसान की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए इस हादसे से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। जबकि मृतक के परिवार का आरोप है कि गांव के ही वीरेंद्र गुप्ता ने लैंटर डालने के बाद पुलिस के बल पर अवैध तरीके से पीछे की तरफ छज्जा निकाल रखा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों और परिवार वालों ने 18 अप्रैल को चौकी सोडाला में लिखित दी थी, जो चौकी इंचार्ज द्वारा अनदेखी कर दी गई है और कोई भी कार्रवाई उस समय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अमल में नहीं लाई गई। सोचे से उठ के वहाँ बैठे हैं तो मैं ऐसी छज्जा गिर गई। इससे गया हरंगी बार गया छज्जा। अच्छा सो रहा है, सो रहा है, वो तो जरे की बाहर जाके बैठे हैं। इतनी देर में छज्जा गिरने की, ये छज्जा बहुत दिनों से टूटा हुआ है, इससे गया छज्जा गिर गया। सर मेरा नाम ताहिर हुसैन है, मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, यहाँ पर उरस करने आया था मज़ार पे, और जो मरे हैं वो मेरे चाचा हैं। और हुआ ये था कि सर यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये ठेला खड़ा है, ये भी यहाँ ज़बरदस्ती खड़ा किया जाता है, और इसकी कंप्लेंट एक महीना पहले यहाँ के लोग मोहल्ले बस्ती के पहले भी इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं लोग बाग, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और बल्कि दड़ा धमका के लोगों को, और ये ज़बरदस्ती रातों रात ये छज्जा डाला गया, जबकि ये लेंटर पहले डल चुका था और छज्जा बाद में डाला गया है। ये कहाँ का कानून है? और ये देखिए ना, कोई इसमें पिलर है ना कोई भी चीज़ है, ये कानून के खिलाफ भी है। और यहाँ पर इंसान अनजान आदमी जब बैठेगा उसको क्या मालूम, और ये चटका हुआ था और जैसे ये गिरा उनकी गिरते ही मौके वारदात पर मौत हो गई। क्या इनका इधर रास्ता नहीं है? इनका छज्जा है, इनका कोई रास्ता नहीं है, ये जबरदस्ती दबंगई दिखा के अपना वो दिखा कर यहाँ पर जबरदस्ती इन्होंने, ये देखिए गेट बनाया गया है, जबकि इनका रास्ता सामने से है, इधर कोई इनका रास्ता नहीं है। आपने कुछ शिकायत करी थी इसकी? हाँ, इसकी शिकायत पहले मोहल्ले वाले कर चुके हैं, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि और दड़ा धमका के कह दिया गया कि कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकारी विभाग में काम करता है और उसका फायदा उठाया है इसने। किस विभाग में? ये उसमें ऑपरेटर। ऑपरेटर।